आप शायद मुझसे ये पूछें कि मेरा साइकिलिंग से क्या नाता है, और अरुणाचल से क्या नाता है। तो पहले साइकिलिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि बचपन से जो साइकिलिंग शुरू की है आज तक के ख़त्म नहीं हुई है। हर जगह जाता हूँ साइकिलिंग करता हूँ, शूटिंग पर जाता हूँ साइकिलिंग करते हुए जाता हूँ, रात को कभी साइकिल पे निकल जाता हूँ। मैंने प्यार किया, मैं बहुत सारा साइकिलिंग था, उसके बाद एक पिक्चर आई किक, उसमें भी साइकिलिंग था। तो साइकिल पे स्टंट्स व्हीलीज वगैरह पहले बहुत किया करता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है मुझसे। अब अरुणाचल प्रदेश, मुझे ये जगह पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है कि I've just been wanting to go there for the longest time. और फिर मैंने एक फिल्म की ट्यूबलाइट, उसमें एक बच्चा था, और जिन जिन ने फिल्म देखी उन सबको बताया कि मेरे उस बच्चे के साथ क्या नाता है, मातिन। तो जब मातिन मेरी जिंदगी में आया ड्यूरिंग ट्यूबलाइट, I just got to know कि ये जो इतना सिंपल बच्चा है और ईटानगर का है, अरुणाचल का है, और जब भी वो मुझसे मिले वो मुझसे कहे बीबिंग ईटानगर आओ। तो ऐसे क्यों आए ईटानगर भाई? इसे क्योंकि इतना इधर इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे हर चीज़ इतना सुंदर है, तुम्हारे ये सब बाल भी चला जाएगा, दाढ़ी का कान का बाल भी चला जाएगा, इट इज इतना ऑक्सीजन है वहाँ पर, यहाँ पर पोल्यूशन है, इतना पहाड़ी है, वहाँ पे हमारे पास मच्छी है, रिवर है। तो ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट ईटानगर, पासीघाट। सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड विद दैट। अब आई ट्राई टू गो देयर, बहुत बार जाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट फॉर दिस इवेंट एंड आई होप आई कैन मेक इट फॉर दिस इवेंट। क्योंकि मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग फॉर भारत, तो मेरे को अगर एक दिन भी मिले वहाँ से तो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अच्छा, और सर ने भी डरा दिया कि बोले कि ये गूगल मैप पर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट रेस है। सो लेकिन अपने पास भी तो एक तोड़ है, हमारे पास बीइंग ह्यूमन ई साइकिल है, कम पेडल मानना पड़ेगा। तो बींग ह्यूमन ई साइकिल लेके अपन उसके अंदर घुस जाएंगे। सो फॉर ऑल द पीपल हु ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेस, यू नो यू शुड डू सम जुगाड़ लाइक दिस। अब वो तो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो साइकिल चलाएंगे चलाएंगे, अपन लास्ट भी आएंगे, एटलीस्ट वी कैन डू दैट द क्लाइम एंड सी द ब्यूटिफुल टेरेन, इंजॉय द वादियाँ। सो दिस इज माई थिंग, माई लव फॉर अरुणाचल, माई लव फॉर साइकिलिंग। और जितनी भी जो बचपन में मेरी इंजरीज हुई हैं वो हुई हैं साइकिल के वजह से। और फिर आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ मदर्स यूज टू कॉल मी आफ्टर मैंने प्यार किया, सेइंग दैट मेरे बच्चे से बात करो, सीढ़ियों से साइकिल नहीं चलाओ नीचे, व्हीली नहीं करो, फास्ट मत चलाओ, क्योंकि अ लॉट ऑफ किड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राइंग टू फॉलो वॉट आई डिड इन मैंने प्यार किया, किसी का हाथ टूटा, किसी का रिस्ट टूटा। तो साइकिलिंग का बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर गिरते भी हो तो एक थोड़ा सा यू नो घसड़ा लग जाता है, यू नो थोड़ी सी खाल निकल आए, एक आध हड्डी टूट जाती, वो वापस से जुड़ जाती है। सो आई थिंक साइकिलिंग इज द सेफेस्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग इंजर्ड। मोटरसाइकिल से गिर गए भाई तो एक लंबा चौड़ा
repair job hai ya repair bhi nahi hota aadmi uske baad cycle se gir jata hai to wo bahut jaldi repair ho jata hai. So this cycling is I think the best thing ever. I think cycling is also better than walking because cycling mein pedal marna padta hai to wo jo uthna baithna ek umar tak, you know, where you can barely walk, but if you cycle, so that movement of getting up, sitting down, walking is a very easy movement. Transportation ke liye cycle. Aur ye jo ek hamare yahan par ek chacha hai jo ke anda bechte hain hamari building mein. Wo aaj bhi, he must be about 68-70. Till today, he cycles and he sells eggs in our building. So it's not only our building, he sells it all over Bandstand, all over Carter Road, all over Hill Road. Ek aadmi anda leke cycle ke upar bechta hai. Phir hamare akhbar wale, pehle akhbar cycle ke upar becha karte the. Doodh wale cycle ke upar becha karte the. Ab, pata nahi kyun, ye cycle ka fad, you know, ये जो एक नेसेसिटी थी वो खत्म हो गई. I did a cyclothon for being human about 5-6 years ago. People wanted to join the event, but cycle ही नहीं थे. So people had to go and buy cycles. और cycle की दुकानों में cycles खत्म हो गए थे. So I know a record that there were only about 2,000 cycles at that point in time in that whole Bandra, Khar, Danda, Juhu, that whole area. So I was quite shocked. So then I thought that when I grow up, which I did a few years ago, I will start manufacturing cycles. So I did, you know, being human cycles. So now this is my nata with Arunachal and with cycling.